कोटा शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया है और हथियारों के साथ चार बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। शहर एसपी गौरव यादव के मुताबिक पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश हैंगिंग ब्रिज के टोल प्लाजा को हथियारों के बल पर लूटने की साजिश रच रहे थे। इन हार्डकोर अपराधियों के कब्जे से एक रिवॉल्वर, 3 कारतूस, 1 एयरगन, 1 बंदूक 12 बोर की, मैं 25 कारतूस, 1 देशी कट्टा बड़ी नाल का, 1 देशी कट्टा छोटी नाल का और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ शहर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्जनों संगीन केस भी दर्ज हैं। पकड़े गए अपराधियों में से बंटी उर्फ कुलदीप धाकड़ पर 5,000 और दूसरे बदमाश बहादुर मीणा पर 2,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। फिलहाल पुलिस अब आरोपी से हथियार खरीद के बारे में पूछताछ कर रही है। हैंगिंग ब्रिज पे जो टोल प्लाजा है उस पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश हैं जो कि हार्डकोर बदमाश इकट्ठे हुए हैं एक साथ और वो टोल प्लाजा लूटने की योजना बना रहे हैं। इस मुखबिरी पर और इसके अलावा ये जो बदमाश हैं इन पर पहले से भी काफ़ी नज़र थी क्योंकि कुछ लोग वांटेड भी थे। तो हमारे पास जो मुखबिरी आई और जो अन्य सूचना आई उसके तहत पुलिस का जाफ्ता CO2 भगवत सिंह हिंगड़ के नेतृत्व में और कुनाड़ी SHO गंगा साहे के नेतृत्व में वहाँ पर गए, कार्रवाई की। इनमें से 4 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है। सभी काफ़ी सातिर किस्म के बदमाश थे तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी अरेस्ट करने में। अरेस्ट करने के पश्चात जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 5 फायर आर्म्स मिले हैं, करीब 27 कारतूस मिले हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनमें से 2 व्यक्ति हैं जो इनामी अपराधी हैं। एक बंटी धाकड़ नाम का व्यक्ति जो जिले लेवल का मोस्ट वांटेड था, एक बहादुर मीणा है जो कि वृत्त लेवल का मोस्ट वांटेड था, उसके ऊपर 2,000 का इनाम घोषित था, और साथ साथ एक नाथू माली नाम का व्यक्ति जो हार्डकोर था। तो इस तरीके से कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।